हे फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन विद द हेल्प ऑफ सम इम्पॉर्टेंट केसेस। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई पर्सन अपने गुड्स सेल करना ना चाहता हो, एक्चुअली वो कोई स्टेटमेंट या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के हेल्प से दूसरों को इन्विटेशन देता है ताकि वो इस बेसिस पे ऑफर कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, कोई बुक सेलर बहुत से लोगों को बुक्स का लिस्ट शो करता है जिस पर डिफरेंट बुक्स के प्राइजेस लिखे होते हैं। यह कैटलॉग या लिस्ट ऑफ बुक्स उन बुक्स को सेल करने के लिए कोई ऑफर नहीं है, इंस्टेड यह एक इनविटेशन है। अगर कोई पर्सन इंटरेस्टेड है और बुक्स खरीदना चाहता है तो वो बुक सेलर को खरीदने का ऑफर कर सकता है, और बुक सेलर को डिस्क्रिशन है कि वो चाहे तो ऑफर एक्सेप्ट करें या एक्सेप्ट न करें। सिमिलरली, ऑक्शन पर लोगों को इन्विटेशन देना जहाँ बहुत से गुड्स रखे होते हैं, यह गुड्स को सेल करने का कोई ऑफर नहीं है। बिड या बोली के रूप में इंटरेस्टेड बायर्स की तरफ से खरीदने का ऑफर आता है। सच ऑफर्स दैट इज बिड हैमर के गिरते ही एक्सेप्ट हो जाता है, विच गिव्स राइज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। इन द सेम वे, एडवर्टीजमेंट कॉलिंग फॉर टेंडर्स प्रपोजल या ऑफर नहीं है बल्कि एक इन्विटेशन है। Nobody is bound to accept an offer. इसीलिए ऑक्शनर अगर चाहे तो यहाँ तक कि हाइस्ट बिड या बोली को भी एक्सेप्ट न करें। इन द केस ऑफ हैरिस वर्सेस निकरसन ऑफ द ईयर 1873, डिफेंडेंट ने ऑक्शन के द्वारा सेल करने का एडवर्टीजमेंट किया। प्लेंटिफ ऑक्शन वाली जगह पर पहुंचा जहां उसे मालूम चलता है कि डिफेंडेंट ऑक्शन कैंसिल कर दिया। तो गुस्से में प्लेंटिफ क्या करता है कि डिफेंडेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट कर देता है, यह कहते हुए कि उसे अपना ट्रैवल एक्सपेंसेस वापस चाहिए। इट वॉज हेल्ड दैट डिफेंडेंट को कोई कंपेंसेशन नहीं मिलेगा क्योंकि देर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज विच कुड मेक द डिफेंडेंट लायबल। किसी भी शॉप में या शो विंडो में गुड्स को डिस्प्ले करना वुड नॉट अमाउंट टू एन ऑफर टू सेल गुड्स एट प्राइसेस मेंशनड ऑन द प्राइस टैग्स। इट वुड बी मेयर इन्विटेशन टू ट्रीट। 1893 का एक केस है हार्वे वर्सेस फेसे, जहां यह पाया गया कि कोटेशन ऑफ प्राइस ऑफर नहीं है। इन द केस ऑफ हार्वे वर्सेस फेसे, बम्पर हॉलपेन के नाम से एक प्लॉट ऑफ लैंड था जिसके ओनर डिफेंडेंट्स थे। प्लेंटिफ जो थे वो इस लैंड को खरीदना चाहते थे। प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को टेलीग्राम किया। टेलीग्राम कुछ इस प्रकार था, विल यू सेल अस बम्पर हॉलपेन, टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस। फिर डिफेंडेंट रिप्लाई करता है, लोएस्ट प्राइस फॉर बम्पर हॉल पेन £900। प्लेंटिफ अगला टेलीग्राम करता है जिसमें वो लिखता है, वी एग्री टू बाई बम्पर हॉल पेन फॉर £900 आस्क्ड बाई यू, प्लीज सेंड अस योर टाइटल डीड्स। डिफेंडेंट उस जमीन को सेल करने से इनकार कर देता है। प्लेंटिफ सूट फाइल करता है, कहता है कि डिफेंडेंट ने जो लोएस्ट प्राइस टेलीग्राम किया था वो एक ऑफर था जिसे हम लोगों ने एक्सेप्ट किया और वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। वहीं दूसरी जगह डिफेंडेंट कहता है कि लोएस्ट प्राइस बताना कोई ऑफर नहीं है जिसे एक्सेप्ट किया जा सके। जुडिशियल कमिटी ऑफ द प्रिवी काउंसिल हेल्ड दैट दिस एक्सचेंज ऑफ टेलीग्राम हैड नॉट रिजल्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट। इट वॉज ऑब्जर्व दैट पहला टेलीग्राम जो प्लेंटिव ने भेजा था उसमें दो क्वेश्चंस थे, वन रिगार्डिंग विलिंगनेस टू सेल एंड द अदर रिगार्डिंग द लोएस्ट प्राइस। डिफेंडेंट के द्वारा रिप्लाई में केवल लोएस्ट प्राइस बताया गया था और ये कोटिंग ऑफ प्राइस कोई ऑफर नहीं है। थर्ड टेलीग्राम जो डिफेंडेंट ने किया था कि वी एग्री टू बाय, ये एक ऑफर है ना कि एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, चूंकि ये ऑफर जो प्लेंटिफ ने दिया डिफेंडेंट को और डिफेंडेंट ने इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया तो किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज के बीच नहीं हुआ। आइए अगला केस देखते हैं, मैकफर्सन वर्सेस अपाना। ये केस है 1951 का। द केस ऑफ मैकफर्सन वर्सेस अपाना इज अनदर इलस्ट्रेशन ऑफ एन इन्विटेशन टू ट्रीट। इस केस में प्लेंटिफ डिफेंडेंट के प्रॉपर्टी के लिए ₹6,000 का ऑफर देता है। प्लेंटिफ डिफेंडेंट के एजेंट से पूछता है कि उसका ऑफर एक्सेप्ट हुआ या नहीं, और यह भी कहता है कि वो और भी ज़्यादा प्राइस पे करने को तैयार है। डिफेंडेंट का एजेंट रिप्लाई करता है कि डिफेंडेंट ₹10,000 से एक पैसा भी कम नहीं लेने वाला। प्लेंटिफ कहता है, ठीक है, मैं ₹10,000 देने को तैयार हूँ। डिफेंडेंट अपना प्रॉपर्टी सेल करने से मना कर देता है। प्लेंटिफ ने केस फाइल कर दिया ताकि कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो सके। प्लेंटिफ कहता है, ₹10,000 का जो ऑफर था उसे मैंने एक्सेप्ट किया है। इट वॉज हेल्ड दैट इन दिस केस द लेटर फ्रॉम द डिफेंडेंट्स एजेंट वॉज नॉट अ काउंटर ऑफर बट वॉज अ मेयर कोटेशन अमाउंटिंग टू इन्विटेशन टू ऑफर। एक्चुअली में ऑफर था प्लेंटिफ की तरफ से जो ₹10,000 पे करने को तैयार था,
और चूंकि ये ऑफर डिफेंडेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया, देयर फॉर देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। सो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि ऑफर और इनविटेशन में क्या डिफरेंस है। हम लोगों ने तीन केस लॉस देखा, हैरिस वर्सेस निकर्सन, हार्वे वर्सेस फैसी एंड मैकफर्सन वर्सेस अपाना। ये तीनों केसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके इस वीडियो का फीडबैक दीजिए, सब्सक्राइब करिए फॉर फर्दर अपडेट्स। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।